व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक्चुअली काफ़ी स्पेशल डे है। आज अपना साहिल जो मेरा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड, उसका बर्थडे है, तो अपन उसे घर जाने वाले हैं। अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे। तो मैंने उसके लिए उसका गिफ्ट जो उसने बोला था वो मैंने ले लिया है, और अभी हम जाते हैं उसे घर पर और फिर देखते हैं क्या प्रोग्राम है। तो आगे वैसे तो पहले मैं केक बनाने वाला था, मम्मी केक बनाने वाली थी, पर आज मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए अब मम्मी केक नहीं बना पाई। तो शायद से उसे घर पे केक है या नहीं है पता नहीं, क्योंकि उसे घर पे भी ओवन नहीं है, तो आई डोंट नो व्हाट इट इज़। पर देखते हैं, जाके करेंगे मस्ती। अभी उसे घर पे थोड़ी देर के लिए, अभी तो 4 o'clock हो गए आई थिंक। तो जाते हैं, अभी मेरा क्लासेस ख़त्म हुए हैं कॉलेज के, तो जाते हैं अभी उसे मिलते हैं। और फिर मैं अभी उसे घर पर जा ही रहा हूँ, तो फिर आपको उसका कलेक्शन भी दिखा दूंगा जो भी वो कलेक्ट करता है, और काफ़ी अच्छे उसके आर्ट्स वगैरह सब दिखा देंगे। सो लेट्स गो गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज मैं साहिल के घर पे आ चुका हूँ, और ये हमारा बर्थडे बॉय एकदम रेडी बैठा है अपने सामने। बढ़िया कुर्ता पैजामा पहना है यार साहिल, उन्हें एकदम सही लग रहा है। और मैं बता दूँ, इसका फेवरेट यही एड्रेस कुर्ता पैजामा, वो खुद ही बोलता है क्यों। Thanks. तो हैप्पी बर्थडे पे तो लेफ्ट हैंड से मिलाता हूँ, कि अभी मैं राइट हैंड से ये पकड़ रहा हूँ। सो बाकी तो अभी अपन आके मस्ती करेंगे। बाकी मैं तेरे को तेरा गिफ्ट दे देता हूँ जो मैंने लाया हुआ है। भाई तुमने तेरे को तो दे दिया है मैंने, पर वैसे भी और तेरा गिफ्ट, हैप्पी बर्थडे। और कार तूने एक्चुअली, गाइस इसने कार दिया था उसको, हॉट व्हील्स की खोल ली इसने, इसे रहा नहीं गया। तो देखिए ये कार दी थी इसको, पकड़। और ये इसको दिखा बुक जो इसने बोली थी, विम्पी किड, डायरी ऑफ विम्पी किड, वो है। और ये तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही लिखा हुआ है, हैप्पी बर्थडे। सो और ये मेरे पापा ने कार्ड बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर। कैसे लगा सैल दे कार्ड? अल्टीमेट, सबसे बेस्ट कार्ड एवर। अभी तो ऐसे सिंपल है, तू और तो बुक अनबॉक्स कर सकता है वैसे अभी। हाँ, मेरे को डैमेज नहीं करनी है बस। अबे वही सही सही, आपको आपकी बुक पसंद है, आपकी फेवरेट कौन सी? दिया था तूने ओल्ड स्कूल ना? हाँ। तो देखिए गाइस, ये है विम्पी किड की ओल्ड स्कूल। इसने मेरे को दिया था मेल्टडाउन, वो काफ़ी अच्छी, मैंने पढ़ ली वो बुक, काफ़ी सही बुक थी। अभी तुम मेरे को ओल्ड स्कूल पढ़ के बताना स्मेल ले रहा है, क्योंकि हमको पता है कि विम्पी किड की स्मेल क्या ही होती है। तो बस अभी हम क्या करेंगे, अभी मैं इसको, मैं जो वीडियो बनाया हुआ सरप्राइज उसको बता दिया मैंने, वो देखते हैं अभी आगे। और वो वीडियो गाइस मैं आपको दिखा दूंगा, आपको दिख जाएगा इधर। मैं अभी तो हम आगे जाके सब इस फैमिली के साथ देखता हूँ वीडियो, और देखते कैसे लगता है तो इसका वीडियो, फिर उसका रिव्यू करेंगे। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं वीडियो देखने के बाद। तो जब तक ये गाइस हम वीडियो देख रहे हैं, आप भी वीडियो देख लो, मैं आपको दिखाता हूँ इससे, अभी प्ले हो जाएगा। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिल कभी ना आए।
की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना बहुत कभी न आए, तेरे संग जीना यहाँ तेरे संग मर जाना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना। Happy birthday to you, happy birthday dear Sahil, happy birthday to you, good God bless you, may the good God bless you, happy birthday dear Sahil. तो हमारे वीडियो देख के हो चुका है, तो मेरे को हाइट बहुत लंबा तो खड़े रहना, मैं पकड़ता हूँ ऊपर से, कोई टेंशन नहीं है, तो फिर नहीं हाँ चलिए ऐसा पकड़ते हैं। तो वीडियो कैसे लगा सही देखो मैं को पता। गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं थोड़ा सा एडिट करके डाला था और बाकी इसको मैं तो बता रहा हूँ, ये मेरे फर्स्ट वीडियो है बर्थडे का और इतना सही एडिट किया है, मैं रो रहा था। अरे बाप रे रो तो आते थोड़े हाँ इमोशंस, हम दोनों में काफी इमोशंस है। तो तो बाकी तो अभी बढ़िया सा खाना खाएंगे, क्या बना हुआ है शायद से तू ही बता दे क्या बनाया। तो बर्थडे बॉय सैंडविच बने हुए मेरे फेवरेट, हम लोगों के फेवरेट, तो जल्दी से बन जाएंगे थोड़ी देर में। तब तक के मैं आपको इसका कलेक्शन दिखाता हूँ, जो कि पूरा इसका एक्शन फिगर्स का कलेक्शन है और ड्राइंग का कलेक्शन है और हॉट व्हील्स का कलेक्शन है। तो गाइस चलो देखते हैं क्या क्या है। तो सही सबसे पहले तो क्या दिखा रहा है, सबसे पहले अपन हॉट व्हील्स देखेंगे। अच्छा सबसे पहले हॉट व्हील्स देखते हैं गाइस चलो। तो साहिल आपका दिखाते हैं अभी, दिखा तू तेरे, मेरे को पहले बता कि तेरा कलेक्शन तो मैं दिखा रहा हूँ अभी। तो ये देखिए गाइस इसका कलेक्शन, बचपनों की मेहनत है पूरी इसकी और इसमें से कुछ इसने मेरे को भी दिए है एक दो शायद, पर वो उसको मैंने अभी वापस भी कर दिए, जोक था नहीं किया। पर अभी मेरे को साहिल बता कि तेरे 5 फेवरेट पहले तो बता, इनमें से मत बता बाकी, तो तूने तेरे फेवरेट जो आते हैं वो बता पहले मेरे को 5। फर्स्टली ये हॉट व्हील्स का स्पेशल एडिशन एक्टो 1 जो गोस्टबस्टर्स मूवी में, गोस्टबस्टर्स मूवी का है ये पूरा। देखिए इसने पूरा ऐसे लैम ये ऐसे रखता है पूरा अंदर ये करके स्पेशल एडिशन, क्योंकि ये फिंगरप्रिंट्स ये होते हैं उसपे, ये इतना पर्टिकुलर है हर चीज के बारे में कि इसके फिंगरप्रिंट्स इस पे ना आने चाहिए, इसलिए गाइस देखिए ये होता है कलेक्टर का। ये बोले गोस्टबस्टर जिसने मूवी देखी है उनको पता होगा ये उसकी स्पेशल एडिशन है, काफी सही है यार ये। और बता दूसरी, और ये लेटेस्ट है एस्टन मार्टिन DB10, ये है स्पेक्टर मूवी में से। अच्छा जेम्स बॉन्ड की स्पेक्टर मूवी की स्पेशल एडिशन ये एस्टन मार्टिन, बहुत ही सही लग रही है बे। और ये गाड़ी किसको नहीं पता, ये तो तूने मेरे को भी, साहिल ने मेरे को एक गाड़ी गिफ्ट की है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये सेम गाड़ी हम दोनों के पास भी है और ये तो सबको पता ही होगी कि ये बैक टू द फ्यूचर, ये जो गाड़ी है बैक टू द फ्यूचर जो आपने देखा होगा मूवी, उसकी डेलोरियन, वो स्पेशल एडिशन मूवी का ये कार है। सो बहुत ही सही यार ये मेरे पास भी है। और ये है टॉय स्टोरी की, जिसको पता होगा टॉय स्टोरी एक बहुत सही एनिमेटेड मूवी है, उसमें से ये एक गाड़ी है, ये भी स्पेशल एडिशन है, ये 5 इसके स्पेशल एडिशन है। ये जो गाड़ी है ये हर एक पिक्सर मूवी में आप देख सकते हैं हाँ कहीं ना कहीं, बहुत ही सही। और ये मैंने उसको भी जो गिफ्ट की है उसके टॉप 5 में आती है पगानी, जो वन ऑफ माय फेवरेट रेसिंग कार्स, बहुत ही सही है, क्या चमक रही है वे पगानी। चलो अब आप देखते हैं इसके बॉक्स में, इसके तू मेरे को बता कि दोनों बॉक्स में लाके तेरे टॉप 5 मेरे को बता दे तेरे फेवरेट जो भी होंगे। वैसे आप देख तो रहे काफी अच्छे अच्छे दिख रहे होंगे आपको इसमें, काफी वैरायटी है। तो निसान GTR आएगी, निसान GTR स्पोर्ट्स कार हाँ। और फिर है बुगाटी का कायरन, कार लवर्स आपको तो पता ही होगा कौन से एक, बहुत ही सही है। ये गाड़ी मैंने सिर्फ इसलिए ली थी क्योंकि बुगाटी कायरन रोनाल्डो के पास है, पर वो कलर मुझे नहीं मिला। बुगाटी कायरन वाओ क्या सही लग रही है यार, एग्जैक्ट बनाई है इन लोगों ने। और थर्ड उसके बाद है ये स्पेशल एडिशन है गैस मंकी गराज की कॉर्वेट, ये तो मेरे को पता है यार ये बहुत सही है हाँ। फिर उसके बाद तो अपनी आती है लैम्बोर्गिनी वेनिनो, सही है यार ये लैम्बोर्गिनी,
मैं तो सोच रहा हूँ सियान का मॉडल कब आएगा, लैम्बोर्गिनी सियान वही। भाई पहले लेंगे अपन और तो। ये है टेस्ला मॉडल एस। और इसका फिफ्थ है टेस्ला मॉडल एस। टेस्ला मॉडल एस तो है पूरा ओपन है ऊपर से तो, और बहुत सही है ये गाड़ी। सो ये इसका पूरा कार कलेक्शन है। साहिल तू कितने सालों से कर रहा है ये कार कलेक्शन है क्या? अभी मैंने स्टार्ट तो 6th में किया था। बाप रे, और आज तू फर्स्ट ईयर रहेगा है ना अभी हाँ तो, तो वो यानी लाइफ लॉन्ग कलेक्ट करने वाला हूँ। 7 साल हो गए तेरे को है ना तू कर हाँ रहा है, 6-7 साल हो गए। तो ये बहुत सारी कार्स हुई भी है पर ये वन ऑफ द बेस्ट है। बहुत ही सही। और आप देख सकते हैं काफ़ी इसके पास कार्स है, जैसे बैट मोबिल है पर ये वाइट में है क्योंकि ब्लैक काफ़ी कम मिलती है, तो ये भी आप देख सकते हैं। और फिर ये जो मेरे फेवरेट, वन ऑफ माई फेवरेट्स में आएगी है डिस्पिकेबल मी, जो आपने देखा होगा उसकी गाड़ी होती है, बहुत ही सही ग्रू की गाड़ी है ये। और कौन से थे बस ये क्या इसके पास, वो जो लोग कैलरीज, हॉट काउंट व्हील्स, कस्टम्स देखते होंगे सही हाँ, काउंटिंग काउंटिंग कार, हाँ काउंटिंग उसमें वही कार गाड़ी है एसीडी वेटिंग पे। और ये बहुत ही सही गाड़ी है यार, मैकलेरन P1। P1 बहुत ही सही बनाई है एग्जैक्ट। और कौन सी दिखा चाहेगा तू? और ये स्कूबी डूबी का स्पेशल एडिशन एक है इसके पास, स्कूबी डूबी के आपने देखा होगा कार्टून वाला, उसका ये है मिस्टर बहुत ही मैक्सिम सही। और द सिम्पसन्स वन ऑफ कॉमेडी सिम्पसन्स, सिम्पसन्स की भी वन ऑफ द कॉमेडियस्ट ये जो मूवी सीरियल्स थी सीरियल सॉरी उसका है द मूवी भी सिम्पसन्स है। की, बहुत ही सही। तो ये सब पूरा कार कलेक्शन है गाइस। अब नेक्स्ट टू कौन सा कलेक्शन दिखाएगा अपना? कलेक्शन नहीं मैं नेक्स्ट टू मतलब ये दिखा दे अपने, जो मैं बोल रहा हूँ हाँ अपने ये जो देख ही रहे होगे गाइस आप लोग, एक्शन फिगर्स का दिखाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हिल स्लैश साइली, आप मेरे को आपका पहले एक्शन फिगर में एवेंजर्स का दिखा दीजिए क्योंकि वो छोटा है तो अभी भी कलेक्ट करना शुरू कर रहा है। तो ये तो आप देख रहे हैं इसके आयरन स्पाइडर ये सूट है इसके पास, यानी क्या ही क्या सही लग रहा है यार ये, मेरे को देख के ही पसंद आ गया था। फिर एक कैप्टन अमेरिका है, और ये क्या है बता, ये है रेस्क्यू, रेस्क्यू मतलब आयरन। बेसिकली ये पेपर एक्चुअली पॉट्स। आयरन मैन का सबसे बड़ा फैन है मैं हाँ बोलूंगा, तो इस आयरन मैन का जो इसके पास सूट है ये कौन सा सूट है, ये है Mark 50 इन्फिनिटी वॉर इन्फिनिटी वॉर का मार्क नैनो 50 है। टेक। तो अभी इसके पास तो 4 ही है, पर जल्दी ये और भी लेने वाला है एवेंजर्स कलेक्ट करेगा। तो नेक्स्ट अपन जो देखेंगे इसका बिगेस्ट एवर कलेक्शन स्टार वॉर्स का, जो कि मेरा फेवरेट है। तो स्टार्ट करते हैं अपना स्टार वॉर्स, हमारे फेवरेट जो सीरीज है, और देखते हैं क्या क्या है इसके पास। तो कहाँ स्टार्ट करें, ऊपर नीचे? नीचे नीचे। तो ये है सिथ, यानी आपको पता होगा जो जो स्टार वॉर्स के फैन होंगे कि डार्क साइड में जितने भी आते हैं ये सब वो है। और तेरा स्टार वॉर्स में फेवरेट कैरेक्टर क्या है? मेरा फेवरेट है काइलो रेन, कैलो रेन, वाओ। क्योंकि सबसे पावरफुल वही है अभी तक पूरे डार्क साइड में। और एंड में आपको पता ही होगा राइज ऑफ स्काईवॉकर में वो अच्छा बन जाता है और इवेंचुअली डेथ हो जाती है, पर वो हीरो की डेथ होती है ओके उसकी। तो चल दिखा फिर हमको अभी तेरा क्या। तो ये बेसिकली सब सिथ्स लॉर्ड्स हैं। आपको डार्थ वेडर पता ही है, पैल्पिटीन, और ये है स्नोक। मेरे पास डार्थ म्यूल अभी नहीं है पर जल्दी होगा, देखते हैं। बेसिकली ये आर्टवर्क मैंने किया है, ये गैलेक्टिक हाँ बहुत ही एम्पायर का सही दिख है रहा है। हाँ और ये है सिथ का। तो ये सब सिथ लॉर्ड्स हैं, मतलब सबसे हायर ऑर्डर डार्क साइड की। और उसके बाद अपन जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर की तरफ, सबसे नया जो डार्क साइड का फाउंडेशन है वाओ एम्पायर के बाद। तो ये है सिथ इटरनल लेटेस्ट, जो राइज ऑफ स्काईवॉकर में दिखाए थे, अच्छा और ये है फर्स्ट ऑर्डर। तो मेरे पास और एक काइलो रेन है, और ये यार है स्काईरन बहुत सारे हैं, दो है पास आई थिंक, और ये वाला बहुत सही लग रहा है तीन, एक्चुअली। तीन है इसके पास, पर एक ये वाला दो एक ही है और तीन। और एक जो उधर रखा हुआ है वो भी दिखाऊंगा आपको मैं। तो ये है पूरी उनकी सोल्जर्स, मतलब बेसिकली स्टॉर्म ट्रूपर्स, उनके कैप्टन्स और उनके जनरल्स। देख सकते हैं कितना बड़ा कलेक्शन है। और ये कुछ नहीं गाइस, ये सिर्फ डार्क साइड था, अभी हम आते हैं लाइट साइड की तरफ। लाइट साइड की तरफ। तो गाइस हम आ चुके हैं लाइट साइड की तरफ, आप देख सकते होंगे कितना सही है इसका लाइट साइड की कलेक्शन। अब तू बता साहिल, देखो एक एक करके तो बता अभी कैसा है लाइट साइड का। पहले तो ये सब लाइट साइड के आप देख रही है, रिपब्लिक का लोगो बनाया मैंने। हाँ सबसे पावरफुल जेडा एवर लिफ्ट योडा योड़ा सबको पता ही होता है, और ये बहुत क्यूट लग रहा है वैसे तो। R2D2 D2 मेरा फेवरेट, और एक क्या ही बहुत ही सुंदर है भाई। और एस्ट्रोनॉमिकल इसके पास ड्रॉइडर R8 भी है, बहुत सही है, सॉरी BB8 सॉरी सॉरी R8 बोल दिया मैंने, वो ऑडी अपने बात कर ऑडी। रहे थे तो हाँ इसलिए। हाँ तो और हैंड सोलो दिख रहा है यहाँ पे, लूक स्काईवॉकर दिख रहा है, फिर चुबाका चुबाका, दिख रहा रे, है, रे है, और यह है पोर्ग,
सबसे क्यूटेस्ट लास्ट हाँ जेडाई में। ये भी बहुत सही है। और फिर यहाँ पे आ गया लूक स्काईवॉकर वापस से, फिर ओबीवैन दो केनोबी, फिर ओबीवान केनोबी है, फिर लिया लिया और है, सी थ्री फिर पीओ। सी थ्री पीओ है, ये भी बहुत सही लग रहा है। सॉरी, ये भी बहुत सही लग रहा है। फिर और वापस से आ गया अपना लूक पोल स्का, डैमरन, सॉरी हाँ पोल डैमरन है ये वो भी। एक्सिंग पायलट का आउटफिट है उसका। हाँ, और वो फिन नहीं देर बस। फिन वहां पे है वो, जब उसने ये डिसगस आउटफिट पहना है। अच्छा, और ये क्या, ये सब क्या है? ये है फर्स्ट ऑर्डर का एसल्ट वॉकर, सही है। जो उसका सेकंड ओ वर्जन। हाँ, और और ये ये है प्रोब ड्रॉइड, प्रोब जो ड्रॉइड। एम्पायर स्ट्राइक्स में और दिखाया था। गाइस, इसके पास ये है, वो निकाल यार बाहर, ये मेरे फेवरेट शिप फैल्कन, मिलेनियम फैल्कन जो आप देख रहे हैं, विच स्टैंड स्पेशल एडिशन साइल वजलवार हैज इट। तो बेसिकली आपको पता ही है, जो शिप्स पूरे गैलेक्सी में फास्टेस्ट हैं, जिसने कैसल रन 12 परसेक्स में किया था, मिलेनियम फैल्कन। और बहुत ही ये सही सिर्फ यार। मेरी फेवरेट नहीं, पूरे स्टार वॉर्स की फैंस की फेवरेट है। और ये है लूक स्काईवॉकर का एक्सिंग रेड फाइव, हाँ, रेड फाइव, जो एम्पायर ये भी स्ट्राइक्स बैक बहुत में सही है दिखाया ना, था। ये भी काफ़ी अच्छा है। और फिर और नीचे देखते हैं इसके पास क्या है। तो नीचे इसके पास, हाँ, और ये एक शिप रह गई थी। ये है बोबा फेट की स्लेव 1, जो एम्पायर स्ट्राइक्स बैक में थी, क्योंकि मेरी फेवरेट मूवी हाँ वही है। अच्छा, और नीचे आते हैं अपन, तो नीचे तो आपको अपन दिखेगा। नीचे आते हैं, जो एक स्पिन ऑफ मूवी है रोग 1, जैसे हाँ सोलो स्टार वॉर स्टोरी। तो है चेरोट है उसका नाम, वो बेसिकली ब्लाइंड कैरेक्टर है पर अच्छा, स्ट्रांग विद द फोर्स। फिर उसके बाद अपना हैंड सोलो दिख रहा है अपने को। नहीं नहीं, ये कौन है? ये है स्पेशल लूक स्काईवॉकर याविन ये सेरेमनी, लुक से है वो, करेगा मेरे को लगा हैंड ये सोलो। याविन का मेडल है उसका। अच्छा, फिर वापस से इसके पास एक कायलोरन दिख रहा है बीच में, और उसके बाजू में ये कौन सा ब्लैक ये वाला? उसका नाइट ऑफ रेन, जो अपने को फोर्स अवेकन्स में दिखे थे और राइज ऑफ अच्छा, स्काईवॉकर में एक्चुअल में दिखे। ओके। और फिर ये दो स्टॉर्म ट्रूपर्स दिख रहे हैं मेरे को रेड कलर के, कौन से ये? ये है सिथ ट्रूपर और ये है सिथ जेट ट्रूपर। बेसिकली ये सिथ इटरनल की आर्मी है। ओके, और ये कौन है बुड्ढा? ये है काउंट डुकू, काउंट, हाँ काउंट डूकू। और अगर आपको याद होगा तो ये अटैक ऑफ इसमें द को पता था क्लोन्स। कि इसका फेवरेट अभी तक का पूरे कलेक्शन में का फेवरेट ये है इसका, जो कि लूक स्काईवॉकर का स्पेशल सूट। तो बेसिकली ये है स्नो स्पीडर, एक्सविंग पायलट नहीं है ये, अच्छा क्योंकि हॉट प्लेनेट पे एक्सिंग्स एप्लीकेबल नहीं थी, स्नो स्पीडर से उनको पेट्रोलिंग करनी पड़ती थी। तो ये ओके, एम्पायर स्ट्राइक्स बैक बेसिकली मेरी फेवरेट फिल्म हाँ, और उसका फेवरेट मतलब कैरेक्टर लुक लुक स्काईवॉकर स्काईवॉकर। बहुत ही प्यारा। तो यही सब है ऐसा कलेक्शन पूरा स्टार वॉर्स का, और यहीं पे सब ख़त्म होता है। तो बहुत ही सही कलेक्शन है साहिल। अभी हम बढ़ते हैं आगे। भाई एक चीज़ भूल गया था, इसके पास स्टार वॉर्स के बुक्स भी है ना। कितना बड़ा फैन है, देख ही ये भी जो सकते है हैं आप। डिक्शनरीज है ये तीनों तीनों मूवीज की। इंसाइक्लोपीडियाज टाइप है, और बहुत सही है, मैं देख चुका हूँ अभी तो। आप देख 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 सकते हैं आप भी, पर अभी निकाल के मैं दिखा रहे हैं, क्योंकि जो स्टार वॉर्स फैन है उन्हीं को पता है कि क्या चीज़ है। तो और और ये ये फोर्स और एक क्या फोर्स अवेकन्स भी अवेकन्स दिखा की रहे हैं। ऑफिशियल बुक। वाह, बहुत ही सही। तो इसका पूरा कलेक्शन देख के बहुत ही सही, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। और अभी आगे भी कलेक्शन है इसका, ड्राइंग्स का और रोनाल्डो का, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। फिर ये एक्चुअली मेरी मम्मी ने इसको इनवाइट किया हुआ संडे को घर पे इसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, तो संडे को जब भी आएगा तब सारे लेके आना, तो अपन सबको आपस से अलग वीडियो बनाएंगे उस टाइम पे, और तब दिखाऊंगा मैं आपको इसके बाहर कलेक्शन। तो बाकी तो आपको अभी तक कैसा लगा वो बताइए। और फिर अभी नेक्स्ट अपना है, आई भूख लगी है बहुत, तो अभी हाँ मेरे को आवाज़ भी आ रही है, तो सैंडविच बन ही रहा होगा, तो खाते हैं बढ़िया और फिर मज़े करते हैं। तो गाइस, बहुत मज़ा आया आज, पूरी मस्ती की हम लोगों ने, बढ़िया खाना था यार, सैंडविच बहुत सही बहुत बना था, पेट दुख फिर रहा ऊपर से होगा। केक भी काफ़ी टेस्टी थी, और फिर आम्रखंड भी खाया मैंने। तो इसी के आज का व्लॉग तो एंड करते, बाकी साहिल बताओ प्लीज़ कि आपका बर्थडे कैसे गया आज? मोस्ट ऑसम बर्थडे एवर, मतलब लिटरली इसने जो गिफ्ट दिया है, आई डोंट हैव वर्ड्स। बाकी दिन वगैरह क्या किया, दिन भर क्या किया? मतलब ज्यादा कुछ नहीं किया, टीवी देखा, सिंचन देख रहा था, एक्चुअली शिनचैन, डोरेमोन भी था, हाँ और कुछ नहीं, अपना थोड़ा ड्राइंग किया, मतलब आइडिया सोच रहा था, मैं रोज सोचता रहा। फिर जाया हमने, खाना खाया और बहुत सारी चीजें की, ब्लॉगिंग जो अभी कर रहे हैं। हाँ
बाकी हॉट व्हील्स अभी बात की, आप बहुत चली बात की, मूवीज मूवीज अपने चलते रहता ही है वो सब। तो अभी मिलेंगे अपन सैटरडे, जब भी तू आएगा तो मेरे घर पे आने वाला ही है, तो देखते क्या होता है उस टाइम पे, मस्ती करेंगे और बहुत। तो गाइस आज के वीडियो के लेते हैं वन सेकंड, साहिल को हैप्पी बर्थडे सब लोग बोल देना, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि आएगा वापस एसी के साथ मोस्टली आई गेस। अभी अपना कैसे एक क्या बोल सकते हैं, कोलैब बोल सकते हैं विदाउट, अरे कोलैब फीट साइल हो गया, अभी अपना फीट साइल तो रह गई। तो मिलते हैं इस पे बाद में, टिल देन बस आइए एक बार सब्सक्राइब वगैरह करने के लिए, हाँ प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए इसके चैनल को, और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और जितने हो सके आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, बहुत जेन्युइन वीडियो है और आई रियली लव इट। थैंक यू भाई, अब प्लीज गाइस सुन लीजिए इसका, सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय गाइस।